नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुक्ता दीक्षित, एस्ट्रोलॉजर। आप सभी ने जो है, मैंने इस सप्ताह गोल्ड सिल्वर के बारे में जानकारी के लिए वीडियो दिया था, उसे भी आप लोगों ने देखा, पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और निफ्टी के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं, देखते हैं, आप सभी को भी धन्यवाद है। लेकिन सबसे पहले एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि जो भी गणनाएँ रहती हैं एस्ट्रोलॉजी के बेस पर रहती हैं। जब भी आप मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख देखें, अपने स्वविवेक का उपयोग जरूर करें, इसके बाद आप ज्योतिष की टिप्सों को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है सोमवार का मार्केट रह सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुक्रवार के मार्केट के लिए बताया था कि मुझे डाउन की स्थिति समझ में आ रही है, तो जो आपका मार्केट ओपन हुआ था 16,010 पे ओपन हुआ था, और इसके बाद से जो है लगातार उसमें जो है मंदी हमें देखने को मिली थी, और इसके साथ जो है आपका मार्केट 15,900 से लेकर के जो है 15,951 इस प्रकार से जो है आपका मार्केट चलता रहा, और लास्ट में जा कर के पुनः 16,049 पे आपका मार्केट बंद हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से साधारण मार्केट आज आपका चला था। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका सोमवार का मार्केट रहेगा, क्या पुनः मंदी होने वाली है या तेजी के योग बनने वाले हैं, क्या स्थिति बनेगी, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगी। बहुत सारे लोग राशिफल देखते हैं, राशिफल के अनुसार काम करते हैं, और उनका कहना है कि जब आप कहते हानि होगी तो हमें हानि होती है और लाभ के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से जिसकी कुंडली में संपूर्ण ग्रह योग मिल जाते हैं तो पूर्णतः भविष्यवाणी सही हो जाती है। और जब भी आप जो है राशिफल देखते हैं, अपनी चालू नाम की राशि, जन्म नाम की राशि देख सकते हैं, लेकिन हमें सूक्ष्म परीक्षण जो है अपनी जन्म पत्रिका से ही करवाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि सोमवार का मार्केट क्या रह सकता है। जैसा कि सोमवार का दिन रहेगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा 12:23 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, मीन राशि पूरे दिन रहेगी। इस दिन ग्रहों का जो है परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है, बुध पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं, शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो इन सब के प्रभाव से मार्केट में क्या स्थिति बन सकती है, क्योंकि यह ग्रह भी मार्केट को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। तो अब ग्रह स्थिति के अनुसार यदि हम देखते हैं तो सोमवार का मार्केट क्या होगा, तो सबसे पहले राशिफल विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए क्या स्थिति बनने वाली है। तो मेष राशि वालों के लिए हानि का योग है, कामना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ का योग बन रहा है, काम करके आपको लाभ मिलेगा। और मिथुन राशि वालों के लिए जो है मिश्रित योग, लाभ हानि का, लाभ मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाएं। कर्क राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ का योग बना हुआ है, और सिंह राशि वालों के लिए भी जो है कुछ लाभ कुछ हानि का मिश्रित योग है, लाभ मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाएं। कन्या राशि वालों के लिए लाभ का योग बना हुआ है, तुला राशि वालों के लिए हानि हो सकती है, सावधानी पूर्वक कार्य करें या ना करें तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ का योग बना हुआ है, धनु राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि का योग है, तो लाभ मिलते ही बाहर हो जाएं मार्केट से। मकर राशि वालों के लिए लाभ का योग बना हुआ है, अगली राशि आती है आपकी कुंभ राशि वालों के लिए भी लाभ का योग बना हुआ है, और मीन राशि वालों को हो सकती है हानि। तो इस प्रकार से जो मैंने ग्रह स्थिति के अनुसार आपको जानकारी दी है, राशिफल आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सोमवार का मार्केट आखिर क्या हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रह स्थिति के अनुसार यदि हम देखते हैं तो मार्केट में जो है डाउन की स्थिति में आपका मार्केट खुल सकता है, और डाउन यानी मंदी की स्थिति देखी जा सकती है। इसके साथ ही जो सुधार देखने को मिल सकता है आपको 1 बजे के बाद, यदि यहाँ पर जो मार्केट आपका रिकवर हो सकता है, बाकी डाउन की स्थिति समझ में आ रही है, तो जो भी चांस बनेगा वो 1 बजे के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ तेज़ी देखी जा सकती है। और जो टारगेट रह सकता है कम से कम 120 से लेकर के लगभग 190 पॉइंट के बीच में कार के योग बन सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल आदि का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, टारगेट जान सकते हैं।
इसके साथ ही दूसरा वीडियो आपको दिया जाएगा गोल्ड सिल्वर MCX मार्केट के लिए कि सप्ताह में क्या स्थिति बन सकती है, वह वीडियो भी आप देखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।